नहीं, केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की नर्मदा पदयात्रा पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह की नर्मदा पदयात्रा निजी है, इसलिए वो कुछ नहीं कहेंगी। उमा भारती बेगमगंज जाते समय कुछ देर के लिए सागर में रुकी हुई थी। यहाँ सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, महापौर अभय दरे समेत स्थानीय बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया और मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि कैन बेतवा नदी परियोजना पर काम जल्द शुरू होगा। एमपी और यूपी दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक कर परियोजना में आने वाली अड़चनों को दूर कर लेंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया। तो खबर आपको सागर से बता रही है। तो पीएमओ ने ये तय किया कि दोनों राज्यों को मिला करके पानी के मामले को सेटल कर देंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के साथ अन्याय हो और इसलिए ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को आपस में बिठाना बहुत आसान काम है क्योंकि दोनों राज्यों में अनुकूल सरकारें हैं। इसके अलावा केन बेतवा में कोई बाधा नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ विनोद आर्य फोन लाइन पर जुड़ गए स्वराज संवाददाता। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ नदी के काम करने को लेकर भी साफ तौर पर उमा भारती कहती नजर आई थी, क्या कुछ वो कहती नजर आई थी दिग्विजय सिंह पर? देखिए, उन्होंने जो दिग्विजय सिंह जिस तरह से मध्य प्रदेश में नर्मदा यात्रा के बहाने लगातार अपना असर बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर उमा भारती ने बिल्कुल साफ तौर पर इनकार कर दिया कि क्योंकि उनकी यात्रा निजी है इसलिए वो उन पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करेंगी। इसी के साथ साथ जो हाल ही में सिंधिया का चेहरा कांग्रेस लाने की बात कर रही है, इस तरह की बातें चर्चाएं हैं, तो सिंधिया के बारे में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं किसी भी तरह की सिंधिया सरकार को नहीं जानती हूँ, ना ही इसका कोई संविधान में जिक्र किया गया, ना ही कोई बजट का नोटिफिकेशन हुआ है। उन्होंने यह भी बात कही है कि अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, जो भी मध्य प्रदेश के चुनाव में जिम्मेदारी देंगे उसको वो पूरा निभाएंगे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।